अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एहसान और आप देख रहे हैं इजी वे फैंड्रेड। तो दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो की तरह आज की वीडियो में भी आपको वेलकम करता हूं, और वेलकम करने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मेरी वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा था कि आज हम टॉप 4 एप्लीकेशन ढूंढेंगे जिसमें हम अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकेंगे। यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करने से मुराद आगे कोई फ्रंट कोई आदमी की तस्वीर है दोस्तों, उस आदमी की तस्वीर को ही हम लेंगे, बैकग्राउंड हम रिमूव कर देंगे बहुत एक्यूरेटली के साथ, उसके बाल को भी मद्देनजर रखेंगे। तो दोस्तों, एक्यूरेटली के साथ आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, और उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको वो एप्लीकेशन सिंपली प्ले स्टोर से मिल जाती है। दोस्तों, आपने सिंपली यहाँ लिखना है पिक्सआर्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैंने टाइम को मद्देनजर रखते हुए पहले इंस्टॉल कर ली थी, और आपने दोस्तों इसको सिंपली ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद। और दोस्तों यहाँ ये मिड पर प्लस का निशान है, इस प्लस का निशान है कि आप अपनी पिक्चर को बनाएं, पिक्चर क्रिएट करें। तो दोस्तों प्लस को करके यानी कि क्रिएट हो गया। तो दोस्तों क्रिएट होने के बाद दोस्तों अब हमने कोई पिक्चर ऐसे ढूंढी जिसका मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊं, और वो दोस्तों पिक्चर हम क्रोम से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम सिंपली कैट की तस्वीर लेते हैं, इस कैट की तस्वीर का बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं। दोस्तों आपकी अगर कोई भी तस्वीर है, अगर आपकी कोई भी गैलरी की तस्वीर है जो आप रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं, आप वो भी सिलेक्ट करना कर सकते हैं। पर दोस्तों मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं पिक्सआर्ट से, तो उसके लिए मैंने ये क्रोम पर आया हूँ, और वहाँ से मैं कैट की तस्वीर ले लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने कैट की तस्वीर चूज़ कर ली, और मैंने इसको सिंपली डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली पिक्सआर्ट पर चले जाना है। तो दोस्तों आपने पिक्सआर्ट पर जाके क्रिएट न्यू कर लेना है। क्रिएट न्यू का मतलब है आप किसी पिक्चर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी पिक्चर डाउनलोड की हुई है, हम उस पर सिंपली चले जाते हैं। तो उस पर सिंपली चले जाने के बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर गोल्ड के साथ टूल्स नज़र आ रहा होगा, तो आपने सिंपली दोस्तों फ्री क्रॉप सेकंड पर लिखा होगा, आपने उसको सिंपली टच करना है। उसको टच करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा होगा सिलेक्ट एरिया टू गिव, यानी कि दोस्तों आप कौन सा एरिया सिलेक्ट करें जो आप अपीयर करना चाहते हैं आप अपनी लाइव स्क्रीन पर। दोस्तों इसको अगर आप दोस्तों खाली कैट की तस्वीर चाहते हैं कि आप अपने थंबनेल पे लगा दें, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये पूरी कैट को रेड लाइन से भरना होगा। तो सिंपली दोस्तों आपने इसको रेड लाइन से भरना है। दोस्तों मैं ये वीडियो को पास करके आपको सिंपली ये सारी कैट को रेड लाइन से भरकर दिखाता हूँ, और इसके आगे वाले मनाज़र दिखाता हूँ, और इसको हम सेव करके आपको दिखाएंगे, और इसकी ओरिजिनल तस्वीर आपको दिखाएंगे, और इसकी जो पिक्सआर्ट से हमने जो रिमूव बैकग्राउंड किया है हम वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पास करते हैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि इस वीडियो को मैं पास करता हूं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी कैट को एक रेड लाइन से भर दिया है। दोस्तों रेड लाइन का मकसद ये होता है कि आप वही पिक्चर आप चाहते हैं जिसको आपने रेड लाइन से भरा है। पर दोस्तों एक और बात, दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपने रेड लाइन भर दी है, और उसको रेजर करने के लिए आपको दोस्तों मिड पर रेज लिखा होगा, आपने उसको साइज यूज़ करके आपने उसको ऐसे रिमूव करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक बिल्ली फुल तैयार हो गई है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप उसको सेव करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों सेव करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, दोस्तों ऊपर राइट कॉर्नर पर एरो का निशान होगा, आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन करके भी आपको दिखा सकता हूँ। आपने सिंपली उसको एरो के निशान को प्रेस करना है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्ली कुछ इस तरह की हुई है। इसका बैकग्राउंड मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया, और आप देख सकते हैं उसके बाल कितने एक्यूरेटली से आए हैं, आप इसको अपने थंबनेल पे भी दिखा लगा सकते हैं। और दोस्तों आप इसको सेव करने का तरीका, दोबारा एरो पे आपने चले जाना है, वाइट सर्कल के दरमियान में जो एरो बना हुआ है
आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों एरो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने गैलरी पे प्रेस करना है। गैलरी पे प्रेस करने के बाद दोस्तों ये इसको आपने कैंसिल कर देना है जो आपको ऐड आई थी। दोस्तों ये पिक्चर आप सिंपली सेव हो गई है, पर दोस्तों मैं आपको अब लाइव दिखाता हूँ गैलरी पर जाकर। आपने दोस्तों गैलरी पर चले जाना है और गैलरी पर चले जाने के बाद दोस्तों डाउनलोड पर चले जाना है। डाउनलोड यानी कि जो ओरिजिनल फ़ोटो मैंने क्रोम से मैंने जो इंस्टॉल की थी डाउनलोड की थी उसको मैं आपको दिखाऊंगा, और जो मैंने पिक्सआर्ट से उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है अब मैं उसको दिखाऊंगा। आपने पिक्सआर्ट पर चले जाना है। पिक्सआर्ट के फोल्डर पर देख सकते हैं पहले नंबर पर पिक्सआर्ट का फोल्डर है, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। और आप देख सकते हैं कि बिल्ली सिंपली बिल्ली आई है और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर अब दोस्तों ये नंबर वन एप्लीकेशन की बात होगी, और दोस्तों ये पहली एप्लीकेशन की डिटेल आपको मैंने बता दी कि ये कैसे आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। और अब दोस्तों सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। दोस्तों सेकंड एप्लीकेशन भी आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर आपने सर्च करना है रिमूव BG यानी कि रिमूव बैकग्राउंड। दोस्तों आपने इसको सिंपली स्क्रॉल अप करना है और उसके बाद दोस्तों मैंने जहाँ सर्कल किया आपने वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, आपने इंस्टॉल कर लेनी है और इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप इसको ओपन कर लेंगे और दोस्तों लोड है फोटो का आपको इंटरफेस होगा, आपने इसको सिंपली सेलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो पिक्सआर्ट वाला है जो मैंने बैकग्राउंड मोड किया है वो भी आप देख सकते हैं, पर जो मैंने क्रोम से डाउनलोड किया है मैंने सिंपली उसको सिलेक्ट किया है। दोस्तों उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे 6 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इस ऑप्शन पे आप कंफ्यूज होंगे। दोस्तों आप इसको इस पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने मैनुअल पे भी सिलेक्ट किया, दोस्तों मैनुअल पे ये है दोस्तों आप सिंपली ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ये एग्जैक्टली, पर दोस्तों इसमें नीटनेस नहीं आएगी। इसमें आप दोस्तों उसकी उसके ईयर्स भी आप रिमूव कर देंगे, इसमें आप बहुत सी चीज़ें कर देंगे। दोस्तों इसका आप साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप ये तो देख लिया, पर दोस्तों आप सेकंड नंबर पे आता है रिपेयर। दोस्तों रिपेयर का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों अगर आपने कैट के ईयर को आपने रिमूव किया है, अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। पर अब दोस्तों थर्ड नंबर पर बात आती है मैजिक की। तो दोस्तों थर्ड नंबर पर बात आती है मैजिक की। दोस्तों मैजिक का नाम आपने सुना ही होगा, मैजिक का मतलब है जादू। जी हाँ दोस्तों इसका भी काम कुछ ऐसा ही है। दोस्तों अगर आपसे ना रिपेयर पे आपकी फ़ोटो एक्यूरेटली बैकग्राउंड रिमूव कर पा रही है ना मैनुअल पे कर पा रही, दोस्तों ये मैजिक आपको ऐसे एक्यूरेटली रिमूव कर पाएगी। पर आप दोस्तों फोर्थ नंबर पर बात आती है ऑटो की। दोस्तों ऑटो की ऐसी चीज़ है, दोस्तों अगर ऑटो यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड अगर प्लेन है, यानी कि प्लेन से मुराद अगर आपके बैकग्राउंड में सिंपली वाइट कलर है, वाइट पे आपने इसको सिंपली प्रेस करना है तो उसका सिंपली वो रिमूव कर देगा। दोस्तों यानी कि ये जो अभी कर रहा है इसमें मिक्स कलर है, इसमें अभी उसको कंफ्यूजन हो रही, पर फिर भी दोस्तों ये आपकी फिर भी कर देगा। पर आपको ये क्या करना है, जो प्लस का निशान है प्लस को आपने सिंपली वहाँ करना है जो आप रिमूव करना चाहते हैं। दोस्तों मैंने ये रफली अभी आपको दिखा दिया है कुछ ऐसा मनाजिर जो मैंने अभी कोई फास्ट ना की ना स्लो की, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। पर अब दोस्तों बात आती है नंबर 3 एप्लीकेशन की। दोस्तों नंबर 3 एप्लीकेशन नहीं है बल्कि वो वेबसाइट है। वेबसाइट ये है कि दोस्तों आपने क्रोम पर चले जाना है। क्रोम पर चले जाने के बाद आपने रिमूव BG लिखना है। रिमूव BG लिखने के बाद फर्स्ट पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपलोड इमेज लिखा हुआ है, आपने सिंपली अपलोड इमेज पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों उस पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्रोम की इमेज को सेलेक्ट करना है। दोस्तों कुछ ये इमेज थी और इसने दोस्तों आपको विद इन 5 सेकंड में आपको ये इमेज तैयार कर दी है कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूट्यूबर अगर आप जल्दी से काम करना चाहते हैं तो आप सिंपली यही तरीका अपनाएं और इमेज को रिमूव करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत इसने अच्छे तरीके से बहुत एक्यूरेसी से हमें इसने इमेज को बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। पर अब दोस्तों बात आती है नंबर 4 एप्लीकेशन की। दोस्तों नंबर 4 एप्लीकेशन का नेम है ऑटो बैकग्राउंड चेंजर। दोस्तों ऑटो बैकग्राउंड चेंजर लिखेंगे तो दोस्तों
आपको रेजर टाइप ये लोगो बना होगा, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है ये एप्लीकेशन, तो अगर आपने नहीं की तो आप इसको इंस्टॉल कर दें और इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा और कट फोटो लिखा हुआ है दोस्तों, आपने कट फोटो पर प्रेस करना है। उस पर प्रेस करने के बाद यूज़ गैलरी करना है और इसे अपनी गैलरी की फ़ोटो को सिलेक्ट करनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने बिल्ली की तस्वीर सेलेक्ट कर ली जो मैंने क्रोम से डाउनलोड की थी, और आप मिड पर देख सकते हैं रेजर। रेजर का मतलब वही है मैनुअल। आप बैकग्राउंड रिमूव कर लें, इसका आप साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। पर आप दोस्तों ऑटो की बात आती है, दोस्तों ये ऑटो भी कुछ इस तरह ही है। आपने सिंपली उस चीज़ पर प्रेस करना है। अगर दोस्तों आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड अगर प्लेन हो, यानी कि बिल्कुल रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू हो, उसको आप सिंपली एक टच के साथ ही आप बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे बहुत सिंपली के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी कि ऑटो क्या है। दोस्तों ऑटो कुछ इस तरह है कि प्लस का निशान अगर आप किसी भी चीज़ पर प्लेन पर ऊपर रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारा बैकग्राउंड मूव कर देगा विद इन 1 सेकंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कुछ इस तरह की होगी। मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो बता देता हूँ कि अगर आप दोस्तों पबजी लवर हैं, अगर आपके पास ज़्यादा महंगा वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आपको वो टेंशन है कोई ज़रूरत नहीं। आप उसके बगैर ही अपने ग्राफिक को बहुत ही हाई कर सकते हैं, अल्ट्रा एचडी कर सकते हैं, वो भी बिना लैग किए हुए। तो दोस्तों अभी आप मेरी वीडियो वो भी जाकर देखें और इस वीडियो में भी आप कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और उस वीडियो में भी आप ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों मैं आपको फिर एक दफ़ा याद करवाता चाहूँ कि अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। पीस ऑफ आर्ट।